Ghamasan.com, मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानप्रिय। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने में जुटी है। इसी बीच दिल्ली भाजपा कार्यालय में हुए जूता कांड के बाद अब गुजरात के सुरेंद्रनगर में थप्पड़ कांड हो गया है। दरअसल सुरेंद्रनगर में चुनाव सभा के दौरान कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को मंच पर भाषण के दौरान एक व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया है। दरअसल सुरेंद्र नगर में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति उठकर मंच पर आया और पटेल को सीधा थप्पड़ मार दिया। उक्त व्यक्ति किस बात से नाराज था और पटेल को क्यों थप्पड़ मारा, इसका खुलासा नहीं हो सका। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चल रहे मतदान के बीच बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा मच गया। बीजेपी के दफ्तर में एक शख्स ने बीजेपी प्रवक्ता GVL नरसिम्हा पर जूता फेंक दिया। खबरों के मुताबिक जूता फेंकने वाला शख्स कानपुर का रहने वाला है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि वो शख्स कानपुर का एक डॉक्टर है और उसका नाम शक्ति भार्गव बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी शक्ति को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।